आप सब, मैं हूं आप सभी का दोस्त शेंटी सिरवंशी, शेंटी वीडियो क्रिएटर। तो दोस्तों, अभी हम 3-4 दिन से घूम के आए, तो क्या है कि हम बाहर का खाना खा खा के थोड़ा हमारा पेट का जो डाइजेशन था वो थोड़ा बिगड़ चुका है, तो घर का खाने की बहुत याद आ रही थी। तो अब घर पर खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो सोचा कि हम लोग ही खाना बना लेते हैं, और हमारे यहाँ पर हमारे घर पे ही हम लोगों के द्वारा खाना बना रहे हैं। और कौन कौन बना रहे हैं, जो हम घूमने गए थे वो ही हम खाना बना रहे हैं। तो चलो आइए, हम मिलते हैं जिनसे कौन कौन खाना बना रहा है और कौन क्या क्या काम कर रहा है। हमने सब ने काम बांट रखा है, और अभी क्या है, फिलहाल मैंने नीचे से बोरिंग चालू किया है और पानी भर लिया है पीने का, और जो पुराने बर्तन थे वो धो दिए हैं दोस्तों, और अब खाने की तैयारी। चलो अब दोस्तों से मिलेंगे। जो हमारे कि हम जो घूमने गए थे, हमारे सभी साथी लोग, हम ही खाना बना रहे हैं, घर पे खाना बनाने वाला कोई है नहीं। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाए हैं दीपक जी से। तो दीपक जी का काम है अभी सब्जी बनाना, यानी कि ये सब्जी का मटर तैयार कर रहे हैं। इन्होंने मिर्ची काट दी है, प्याज काट दिए हैं, और लहसुन भी छिल लिया, और हम बहुत करोड़पति हैं तो हम टमाटर भी आज दाल में डाल। टमाटर देखिए, दो दो है। तो दीपक जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, घर के खाने की याद आई, तो हमने सोचा कि हम ही बनाते हैं। तो मेरे सब्जी बनाने का भार है मुझ पर, तो अच्छा। मैं वो प्याज और ये सब काम कर रहा हूँ, और हमारे आगे भाई वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले इंसान से तो आप मिल लिए, इन्होंने क्या काम दिया है वो काम ये कर रहे हैं बिल्कुल मन तन मन धन सब लगा के। और इन्होंने दाल कुकर में चढ़ा दी है, दाल वो अभी वो उबालने के लिए जैसे सीटी आ रही है। अब हम अगले व्यक्ति से मिलेंगे, दूसरे व्यक्ति की ओर, जो कि हमने उनको क्या काम दिया है और वो काम में लगे हुए हैं। ये है हमारे दूसरे साथी जिनका नाम है आयुष। आयुष ने को काम दिया है हमने आटा लगाने का। तो दोस्तों, कितने साफ सुथरा इन्होंने आटा लगाया है फिनिशिंग के साथ, देख रहे हैं आटा है। ऐसा तो मैंने सब अभी तक लेडीज़ों को भी नहीं देखा है, मतलब हमारा भाई मतलब लेडीज़ों से भी बढ़कर है। तो आयुष जी, कैसा लग रहा है आपको आज आटा लगा के? बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी दिन हो गए रोटी बनाते हुए, तो मैंने सोचा आज बनाते हैं खाना। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि माउंट आबू हम घूमने गए थे, तो वहाँ पर क्या कि वो छोटी छोटी सी फुल्की फुल्की देख देख के आपको हमारे घर की रोटी याद आ रही थी, आज उससे थोड़ी बड़ी बनाएंगे। हाँ, और मेरा क्या काम था, ये मटका धोना था, पानी से धो दिया और इसको भर दिया है, और ये अभी बाहर का खाना खा खा के थक गए हैं, इतना थक गए हैं कि यहाँ का खाने की इनको बहुत याद आ रही है। तो ये बोल रहे कि मैं नहीं बनाऊंगा खाना, मैं तो खाऊंगा और जितने भी बर्तन होंगे मैं साफ कर दूंगा। तो दोस्तों, ये अभी केले खा रहे हैं, थोड़ा केले से पाचन क्रिया बढ़ जाती है, तो ये केला खा के पेट साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, और उसके बाद खाएंगे ये खाना। ये देखो, रात को 3 बजे आके सोए थे और इनको काफ़ी भूख लग रही, तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये ढूंढ रहे कि क्या क्या इनको मिल सकता खाने के लिए है। तो अभी इनको कहीं से लड्डू मिल गया है, तो एक तो निपटा दिया है, और अब ये इनका टारगेट केले की ओर। हाँ, केले खा लिया ना पहले, दो तीन ये पत्थर का इमान दस्ता है, जो कि इसमें मसाला तैयार कर रहे हैं कच्चा, इसमें है प्याज मिर्ची लहसुन, सबको मिक्स कर रहे हैं, खांड रहे हैं। तो गाइस, अभी हमने आपको वीडियो में बताया है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है और किस प्रकार से इनको काम करने के तरीके बता दिए हैं, और ये बच्चे लग रहे हैं काम में। रोटी का काम चालू हो गया है, रोटी कैसी बन रही है चलो देख लीजिए, बहुत गोल है, आए गोल फुलके से तो अच्छी है, अभी मोटी लग रही मुझे तो। हाँ, ये रोटियाँ बन रही, अभी 5 मिनट रोटी बन जाएगी। दाल का भी काम चालू हो गया है, ये तड़का लग रहा है मिर्ची का, प्याज का और लहसुन, जीरा। दीपक हलवाई, सोनू भैया की टीम आ गई। अब देखिए कमाल रोटी का, हमारे तंदूरी उस्ताद आयुष जी का, जो कि उस रोटी को फुलाई हैं, और इनका तरीका देखो रोटी फुलाने ना, रोटी जली है, ये आगे देखो। अगर आपको ऐसी रोटी बनाना है तो इनसे संपर्क करें।
और ये दाल का मसाला रेडी हो रहा है, लगभग हो चुका है समझ लो। ये दाल कौन सी है? मिक्स दाल बन गया भाई, मिक्स दाल बन गई है। और इसका राजस्थानी टेस्ट हमारे द्वारा राजस्थानी मिक्स दाल रेडी। और रोटी पूरी बन गई है, देखो कितने सुंदर सुंदर रोटी है, गोल गोल। और इसके बाद रोटी पे लगाए हैं हम घी, देसी घी, वो वाला नहीं नोवा खोवा। तो गाइस अब इस पे घी लगाया जाएगा। ये घी लग रहा है रोटी पे, देखो कितने सावधानी पूर्वक और चतुराई के साथ और सुंदरता के साथ रोटी को पूरा कवर किया गया है घी से। और इसी रोटी के ऊपर एक और रोटी रख देंगे तो दो रोटी को घी लग जाएगा ये। तो दोस्तों रोटी बन गए हैं, दाल भी मतलब लगभग बन ही चुकी हैं, और चावल भी रनिंग में हैं, और ये जीरा राइस बन रहे हैं, और चावल डाल दिए हैं इसमें। और बस मैं इसको ढक्कन लगा देता हूँ कुकर का, उसके बाद सीटी आ जाएगी, मतलब चावल भी कम्प्लीट। हेलो दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा भोजन रेडी। कल भी हमने इसी टाइम पे खाना खाया था और आज भी हमारा यही टाइमिंग है। तो दोस्तों ये पूरा खाना, ये जो टीम दिख रही है, इन्होंने ही बनाया है, और सब ने अलग अलग चीज़ बनाई है, और सब अलग हाँ। इन्होंने सिर्फ केला खाया है और इन्होंने लड्डू खाया है। तो अब हम खाना खा के लेने के बाद बताएंगे कि खाना कैसा बना। तो जैसे कि अभी हमने भोजन बनाकर खा लिया है, अब काफ़ी अच्छा खाना बना था, टूर से आने के बाद बनाया, और काफ़ी थक चुके थे, फिर भी हिम्मत करके हमने खाना बनाया, क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए बनाना पड़ा। खा लिया है, अब ये देखो सब बैठे हैं, सबको अपने अपने काम में लगे हैं। अब क्या क्या काम है मैं तो आपको थोड़ा डिटेल में। ये रिपोर्टर पेपर पढ़ रहे हैं, और टूर को अभी अभी याद कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, वीडियोस देख रहे हैं। और ये टेम मास्टर, हेलो दोस्तों, और इसको आप क्या कहोगे? इस इंसान को आप क्या कहोगे? ये रेस्ट कर रहा है। और खाना हो गया, लेकिन खाने के बाद कुछ एक और चीज मैं स्पेशल लेके आया हूँ, क्या है वो तो चलो आइए देखते हैं क्या है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, चलो इनको सर्व कर देते हैं और सबका मुंह मीठा कर देते हैं, क्योंकि हम माउंट आबू घूम के आए हैं और उसके बाद खाना बना के हमने खाया है, उस खुशी में आज इनको लड्डू खिलाते हैं सबको। चलो सब एक एक लड्डू ले लो। थैंक यू। चलो लड्डू खाने के बाद इनसे पूछते हैं कि आज का खाना कैसा बना है। तो बहुत बहुत शानदार लड्डू, ऐसे लड्डू 15 अगस्त पे ही मिलते हैं दोस्तों। वैसे आप धोनी वो चलो पहले खा लिया। अच्छा तो कैसा लगा खाना दोस्तों? खाना बहुत ही टेस्टी बना था, खाना बहुत ही शानदार बना था दोस्तों। खा के बैठ गए, खाना इतना टेस्टी बना था कि गड़े मुर्दे उखड़ गए। अरे मुर्दा सोया हुआ था लेकिन उठ गया है, खाने के लड्डू के लिए उठ गया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, टूर से आने के बाद हमने खाना बना के खाया, और आपको इस वीडियो में पूरा बताया बना कर और खा कर भी। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टूर का वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।